हेलो एवरीवन, दिस इज विनीता और आप सभी का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनीता में। ये है आपका हरियाणा जीके का पार्ट टू और जिसके अंदर हम 25 प्लस क्वेश्चन आपके डिस्कस करेंगे। इससे पहले हरियाणा जीके का पार्ट वन अपलोड हो चुका है जिसके अंदर हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसी तरीके की आपकी हरियाणा जीके की टेस्ट सीरीज आएगी जिसके अंदर हम 100 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि अब आपका एचटेट का एग्जाम है, एचटेट के अंदर जो आपकी हरियाणा जीके की है, हरियाणा जीके वो आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है और जितने भी आपके हरियाणा जो है आपके एग्जाम हेल्ड करवाते हैं उन सब में आपकी हरियाणा जीके आती है। तो ये जो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके की और भी वीडियोस आती रहेंगी आपकी जिसके अंदर हम 100 प्लस क्वेश्चन करेंगे। ये वो क्वेश्चन है आपके जो अब तक जितने भी एग्जाम हुए उनमें पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में संभावना है कि यही इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। 25 का जो क्वेश्चन हमने वो पार्ट वन में किया था, तो आज हम 26 क्वेश्चन से हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो 26 क्वेश्चन है आपके सामने कि पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो वहां पे जो पानीपत का प्रथम युद्ध था उसमें बाबर की विजय हुई थी, ये आपको याद रखना है। ये जो जितने भी युद्ध हुए थे और किस टाइम में हुए थे, किस किस के बीच में युद्ध हुआ था, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो आपका बाबर, उस प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी, बाबर की विजय हुई थी। इससे आगे 27 का क्वेश्चन है कि शेर शाह का जो बचपन है हरियाणा के किस जिले में बीता था। तो शेर शाह का जो बचपन है वो आपके महेंद्रगढ़ जिले में, हरियाणा का जो जिला महेंद्रगढ़ है वहां पर शेर शाह का बचपन बीता था। 28 का क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी के जो दादा अब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ है। तो देखिएगा, जब शेर शाह सूरी का जन्म जो है, उसका जो बचपन है वो महेंद्रगढ़ में बीता है, तो महेंद्रगढ़ के पास ही क्या है, नारनौल है। तो जो उसका जो शेर शाह सूरी के जो दादा थे अब्राहिम सूर, उनका जो मकबरा है वो भी कहाँ है, नारनौल में। इस तरीके से आप याद रखिएगा कि महेंद्रगढ़ तो क्या था, शेर शाह का बचपन बीता था, महेंद्रगढ़ से कुछ दूरी पर ही क्या है, नारनौल है, पास में ही है बिल्कुल। तो नारनौल में क्या है, जो शेर शाह सूरी का जो दादा है उसका मकबरा है। इससे आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो वो हुआ था आपका 1556 ईस्वी में, और पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसमें किसकी विजय हुई थी, ये आप याद रखिएगा। प्रथम युद्ध की बात हुई है, प्रथम द्वितीय यहाँ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आप भूल मत जाइएगा। प्रथम को याद रखो, प्रथम में तो किसकी हुई थी, बाबर की विजय हुई थी, और दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था, वो हुआ था 1556 में। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने कि पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो वो आपका हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। तो अब 31 का क्वेश्चन भी आप देखिएगा कि पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई, वो अकबर की विजय हुई। अब ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा युद्ध किसके बीच में हुआ, फर्स्ट हुआ सेकंड हुआ, तो मैं आपको अच्छे तरीके से क्लियर करके समझाती हूँ। अब देखिएगा आपकी यहाँ पूछा गया है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, ये आप याद रखिएगा। वो हुआ था आपका 20 अप्रैल को, और कब हुआ था, 1526 को। तो जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 20 अप्रैल 1526 को। अब बात आती है किस किस के बीच में हुआ था, तो देखिएगा जो मुगल बादशाह बाबर और जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था ना इब्राहिम लोदी, उनके बीच में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, एक तो हुआ था ये बाबर के बीच में, मैं पानीपत के प्रथम युद्ध की बात कर रही हूँ, एक तो बाबर के बीच में हुआ था, प्लस किसके बीच में हुआ था, दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम सुल्तान थे, कौन थे, इब्राहिम लोदी, उसके बीच में हुआ था। तो आप याद रखें कि बाबर और इब्राहिम लोदी, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और इसमें विजय किसकी हुई थी, इसमें बाबर की विजय हुई थी। अभी बताया ना मैंने क्वेश्चन, इस तरीके से थोड़ी सी आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जब बाबर की विजय हुई तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगी पानीपत के प्रथम युद्ध में हार किसकी हुई, तो इब्राहिम की हार हुई। कब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, वो हुआ था आपका 20 अप्रैल 1526 को। अब बात आती है यहाँ पे पानीपत के द्वितीय युद्ध की, तो द्वितीय युद्ध को हम देखते हैं, ये आपका प्रथम युद्ध था। अब बात आती है द्वितीय युद्ध की, द्वितीय युद्ध आपका कब हुआ, वो हुआ था 5 नवंबर 1556 को। कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 को। अब किस किस के बीच में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, वो हुआ था बैरम खां के संरक्षण में, जो अकबर व हेमू के मध्य हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, देखिएगा ये तो आपका अकबर है, इसके प्लस में मैं हेमू और कर देती हूँ। अकबर और हेमू के जो मध्य हुआ था वो क्या हुआ था, पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 को हुआ था। इसमें जो है किसकी हार हो गई थी, इसमें हेमू की हार हो गई थी और अकबर की विजय हो गई थी। ये था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। अब बात आती है पानीपत का तीसरा जो युद्ध है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका पानीपत का तीसरे युद्ध की बात चल रही है, आप याद रखेगा,
वो हुआ था आपका 14 जनवरी 1761 को। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था मराठों वे ईरानी आक्रमणकर्ता जो थे वो अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था। एक तो मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था, और इसमें हार किसकी हो गई थी? इसमें मराठों की हार हो गई थी। तो जो पानीपत का जो पहला युद्ध था उसमें किसकी हार हो गई थी? उसमें इब्राहिम खां की हार हो गई थी। और पानीपत का द्वितीय युद्ध था उसमें हेमू की हार हो गई थी। और पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार हो गई थी। तो अब आपको ये क्वेश्चन रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई, आपको पता है बाबर की विजय हुई। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दूसरा कब हुआ 1556 में, पहला कब हुआ, तीसरा कब हुआ, सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब है पानीपत का दूसरा युद्ध किस किसके बीच में हुआ? हेमू और अकबर के बीच में हुआ। 31 का क्वेश्चन है आपके सामने कि पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई? अकबर की विजय हुई। ये थे आपके पानीपत के युद्ध। इससे आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने, किसने बाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है? ये आपका जो आपका एग्जाम हुआ था HSSC पुलिस का, अभी शायद 23 डेट मेरे को याद नहीं है, जो HSSC पुलिस का आपका कॉन्स्टेबल का आपका एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन एज इट इज मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था कि बाखड़ा जो डैम है उसका जन्मदाता कौन है, तो वहां पे आपका आंसर था चौधरी छोटू राम। अब आगे क्वेश्चन है आपके सामने 33 का कि हरियाणा में कितने मंडल है? तो याद रखो हरियाणा में आपके 6 मंडल है। कौन कौन से हैं वो भी हम देखते हैं। एक है आपका अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ये क्या है आपके? हरियाणा के मंडल हैं जो कि 6 मंडल माने जाते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब बात आती है आपकी हरियाणा के जिले, मंडल, तहसील, उप तहसील, रेंज व कमिश्नरी पर आधारित। ये जो प्रश्न है यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने कि गुरुग्राम मंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं? अब मैंने आपको बताया कि 6 मंडल हैं, उन 6 मंडल के अंतर्गत क्या है, बहुत सारे जिले आते हैं। तो अब हम उन जिलों के बारे में पढ़ेंगे, कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर आपने हरियाणा का मैप देखा हुआ है अच्छे तरीके से, विस्तार से आपको उसको देखा हुआ है, तो इन आप बिल्कुल कन्फ्यूज हो गए नहीं। तो देखिएगा गुरुग्राम मंडल में कौन कौन से जिले शामिल है। देखिएगा गुरुग्राम खुद तो होगा ही, जो मंडल है ना वो खुद तो इंक्लूड होगा ही होगा, ये तो आपका एक तो ये हो गया। दूसरा है गुरुग्राम के पास क्या, एक तो रेवाड़ी है और एक महेंद्रगढ़ है। तो गुरुग्राम मंडल में 3 जिले शामिल है। कितने जिले शामिल है? 3। अब बात आती है अंबाला मंडल में, एक तो अंबाला खुद हो गया और उसके आसपास के कौन कौन से हो गए, जो उसके आसपास लगते हैं, तो यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र, जो 4 हैं वो कहाँ हो गए, अंबाला में हो गए। अब बात रोहतक की आती है, रोहतक तो एक खुद हो गया, रोहतक के पास क्या लगता है, झज्जर लगता है, झज्जर के पास सोनीपत, फिर वहाँ से क्या होता है आपका भिवानी, रोहतक से पहले क्या आता है आपका भिवानी आता है, चरखी दादरी आता है। तो इस तरीके से रोहतक के पास जो जिले लगते हैं वो उन सबका टोटल मिला के एक मंडल बनता है। तो गुरुग्राम का हो गया, अंबाला का हो गया, रोहतक का हो गया। अब हम हिसार की तरफ चलते हैं। हिसार मंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं ये देखिएगा। हिसार मंडल में आपका हिसार है, हिसार तो खुद हो ही गया, एक फतेहाबाद है, सिरसा है और चीन है, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। 38 क्वेश्चन है आपके सामने कि जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना तब इसमें कितने जिले शामिल थे? ये क्वेश्चन आपका HSSC पुलिस कांस्टेबल मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था कि जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय कितने जिले थे। तो वहाँ पे ऑप्शन था 7 है, 21 थे, 22 थे या 6 थे। तो वहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट था, जो कि हरियाणा के अंदर जब गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को तो 7 जिले शामिल थे। कौन कौन से थे वो भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी आप याद रखेगा। अंबाला में थे रोहतक, सॉरी अंबाला था, रोहतक था, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, हिसार और जींद, ये 7 वो जिले थे जब हरियाणा का गठन हुआ उस टाइम ये थे। इससे आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। 39 का है आपके सामने कि हरियाणा का 21वां जिला कौन सा और कब बना? तो हरियाणा का जो 21वां जिला है वो आपका पलवल बना, और कब बना? 13 अगस्त 2008 को बना। उसके बाद तो अब आपका चरखी दादरी बन चुका है, तो चरखी दादरी को भी आप याद रखेगा कि इससे जो नेक्स्ट जिला वो आपका चरखी दादरी बना था। लेकिन अगर पूछा जाए 21वां डिनोट करके तो वो था आपका पलवल, और कब था सिर्फ इतना याद रख लो 2008 में। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने कि हरियाणा में किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है? जैसे कि महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय वो नारनौल में स्थित है, तो ये बात आप याद रखेगा। इससे आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने कि देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ है, जहाँ पर 235 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है? तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, ये आपका जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, ये आपका झज्जर में, झज्जर में कहाँ, भाड़सा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान बनाया गया। कितने पैसे लगाए हैं? 20-35 करोड़ रुपए लगाए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने कि हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है। परमाणु विद्युत केंद्र आपका फतेहाबाद में बनाया जा रहा है। फतेहाबाद में कहाँ आपका गोरखपुर में बनाया जा रहा है। ये भी आपका मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। देखो इस एक एक जो मैं इस वीडियो एक वीडियो के पार्ट के अंदर ही आपके कम से कम चार क्वेश्चन हैं जो कि एचएसएससी का जो अभी फिलहाल में एग्जाम हुआ है वहाँ उसमें चार क्वेश्चन आए थे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो अब तक जितने एग्जाम हो चुके हैं उन सब के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है और साथ में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको भी इंक्लूड किया गया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको साइकोलॉजी पढ़ने को मिलेगी। अगर आप किसी भी टैट की तैयारी कर रहे हो, हिंदी ग्रामर आपको पढ़ने को मिलेगा, हिंदी पैडागोजी, साथ ही साथ अगर आप कंप्यूटर प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं, कहीं आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, कंप्यूटर प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर थ्योरी करना चाहते हैं, या फिर कंप्यूटर के मॉक टेस्ट आप देना चाहते हैं, कंप्यूटर के आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं जो कि आपके सभी एग्जाम में कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं, वो सब कुछ आपको इस चैनल पर सीखने को मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ हम बढ़ते हैं कि ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी। तो आपकी कर्णम मल्लेश्वरी थी। ये क्वेश्चन आपका शायद सीटेट, हाँ सीटेट में ही पूछा गया था। इसमें कर्णम मल्लेश्वरी के चार जो हैं वो लाइनें दी गई जिसमें से आपको बताना था कि कौन सा है, किसमें से कौन सा जो फैक्ट है वो गलत है। तो आप याद रखिएगा ओलंपिक में एकल स्पर्धा में कौन जीती थी, कर्णम मल्लेश्वरी जीती थी। इससे क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। तो हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है, बट ये पहले की बात है। अब तो आपका जो तेलंगाना बन चुका है उसके बाद जो हरियाणा का स्थान कौन सा है वो 21वां स्थान हो गया है। ये बात आप याद रखिएगा, ये अपडेट मैं आपको बता देती हूँ। ये तेलंगाना बनने से पहले का 20वां था और ये तेलंगाना बनने के बाद का है। इससे आगे क्वेश्चन हम देखते हैं कि हरियाणा का लोह पुरुष कौन कहलाता है। तो हरियाणा का लोह पुरुष आपका चौधरी बंसीलाल कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके सामने कि ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो वो था हरियाणा। और कब की ये बात है, वो बात है आपकी 2010 में कि जब ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज कराने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा बना। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित है। तो वो है आपके सिरसा में, यानी यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। चौधरी देवीलाल की जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे स्थापित है, वो आपके सिरसा में है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 आपके सामने है कि हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जैसे मैं हरियाणा आपको इस तरीके से बताती हूँ कि ये मैं बाय डायग्राम बताती हूँ, जैसे ये है ये आपका क्या है, हरियाणा है। हरियाणा के इस तरफ ये आपका क्या हो जाएगा, आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका साउथ हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आया होता है जैसे में कि पूछा गया था कि अरावली की रेंज है वो हरियाणा के चारों तरफ फैली हुई है, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो यहाँ पूछा गया है कि दक्षिण क्षेत्र में जो स्थित जो पहाड़ियाँ होती हैं वो किसका हिस्सा होती हैं। तो वो आपकी अरावली पहाड़ियों का हिस्सा होती हैं। जो अरावली पहाड़ियाँ वो मुख्य रूप से आपकी इस तरफ पाई जाती हैं, यानी कि उत्तर पूर्वी एरिया में पाई जाती हैं, लेकिन पूछा है किसका हिस्सा है, तो वो है अरावली पहाड़ी का हिस्सा है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने कि हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ है। हरियाणा राज्य का गठन तो वो था 70वें संशोधन के द्वारा हरियाणा राज्य का गठन हुआ है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50 कि हरियाणा भारत के कौन कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसमें पूछा गया हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में, यानी 70वां तो इसका संशोधन था और जो 70वां जो राज्य बना वो कौन बना था, आपका हरियाणा बना था। तो ये थी आपकी वीडियो part 2 था जिसके अंदर हमने 25 जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, part 1 के अंदर भी 25 किए थे और इसी तरीके से पार्ट इसके आते रहेंगे जिसके अंदर हम 100+ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा इस पार्ट के अंदर से ये HSSC के अंदर कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और STAT के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आप देखिएगा फिर अपने प्रैक्टिस सेट लगाइएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। पहले आप क्या कीजिएगा, थ्योरी पढ़िएगा। जैसे कोई आपने एक चैप्टर, जैसे आपने पॉपुलेशन कंप्लीट कर लिया, एक चैप्टर आपने भौगोलिक स्थिति का कंप्लीट कर लिया, फिर आप ये वन लाइनर क्वेश्चन कीजिएगा, MCQs कीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। तो ये थी आपकी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।